उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने समान नागरिक संहिता कानून यानी यूसीसी लागू करने की कवायद तेज कर दी है। यूसीसी नियम एवं कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष ने शुक्रवार को देहरादून के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अंतरिम रिपोर्ट सौंपी। सीएम धामी ने कहा कि समान नागरिकता नागरिक संहिता की नियमावली तैयार हो गई है और शीघ्र ही कानून लागू होगा। सीएम धामी ने कहा कि जल्द ही यूसीसी नियमावली को कैबिनेट मीटिंग में लाया जाएगा। मंत्रिमंडल की मुहर के बाद यूसीसी प्रदेश में लागू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा विधानसभा चुनाव 2022 से पहले प्रदेश में यूसीसी लागू करने की घोषणा की गई थी। जनता ने भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार बनाई, इसके बाद पहले ही कैबिनेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्राफ्ट बनाने के लिए कमेटी का गठन किया गया था। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इसके लिए ड्राफ्टिंग कमेटी और रूल्स मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का भी आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि सभी एक्सपर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बहुत अच्छा काम किया है। इसमें कई ऐसे प्रावधान होंगे जिनमें महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम किया है। इस अवसर पर रूल्स मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह, सदस्य मनु गौड़, सुलेखा डंगवाल, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी सहित कई अन्य अधिकारी उपस्थित थे। 12 फरवरी 2022 को उत्तराखंड विधानसभा के आम चुनाव से ठीक दो दिन पहले हमारी पार्टी का संकल्प था। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने हम चुनाव में गए थे और चुनाव में हमने ये संकल्प रखा था कि नई सरकार का गठन होगा तो हम सबसे पहले यूसीसी लागू करने के लिए काम शुरू करेंगे। और पहले मंत्रिमंडल की बैठक में हमने निर्णय लिया और उसके लिए फिर यूसीसी के लिए ड्राफ्ट कमेटी का गठन किया। रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में, जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश है, एक कमेटी का गठन हुआ। उन्होंने हमको ड्राफ्ट दिया और 7 फरवरी 2024 को ये विधेयक विधानसभा से चर्चा होने के बाद पारित हो गया। 12 मार्च 2024 को महामहिम राष्ट्रपति जी का भी इसमें हमको अनुमोदन प्राप्त हो गया और राज्य में इसको लागू करने के लिए हमने कमेटी का गठन किया था, क्रियान्वयन कमेटी। शत्रुघ्न सिंह जी, जो हमारे वरिष्ठ आईएएस रिटायर्ड आईएएस, उनकी अध्यक्षता में बनाई थी और उस कमेटी ने अपना काम किया, एक्ट बनाकर हमको दे दिया है और जल्दी ही हम इस एक्ट का अध्ययन करेंगे और कैबिनेट में चर्चा करेंगे। उसके बाद हमारा प्रयास होगा जल्दी से जल्दी ये लागू हो, क्योंकि एक बड़ी व्यवस्था बननी है तो उसमें हजारों लोगों को अपना योगदान देना है, वो सम्मिलित होंगे। इसमें अधिकारीगण हैं, कर्मचारीगण हैं, सभी सरकारी विभाग हैं, उनकी ट्रेनिंग भी होनी है और जल्दी ही जो है सारा आकलन करने के बाद न्याय विभाग से भी इसका परामर्श लेकर हम लागू करने की जो तिथियां हैं उन तिथियों को घोषित करेंगे।